हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल आप सभी का? हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये हमारे सेफ सेफ डीएम और सेफ माधव सेफ माधव और सेफ हैंडसम फ्रॉम यो दिल्ली, यो दिल्ली नहीं, यो नेपाल। यो नेपाल को अहिले तो कैसा लग रहा है? मैंने तो बाल भी कटा लिए हैं, देख लो गाइस। आपने बाल रखे हुए गाइस, देख लो कैसे लग रहा है। छोटे छोटे बाल करवा लिए हैं ये, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। आप लोग बताए तो लास्ट मुझे तो देखिए जो सही नहीं लग रहा है यार, कुछ भी यार। और कैसा लग रहा है? नहीं कुछ भी सही नहीं लग रहा है। कुछ नहीं सही लग रहा है? नहीं, एक काट दिया यार ये। एक हमारे सेफ माधव का कहना है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे तो ठीक ही लग रहे हैं सेफ। नहीं नहीं यार, अच्छा नहीं काटा उसने यार। कौन था वो यार? वो एक फाड़ू बंदा था यार। फाड़ू था ना? फाड़ू बंदा था यार। अच्छा नहीं काटा वो, ऐसे ऐसे ना घुमा रहा था यार उसको। ऐसे थोड़े नहीं होता यार बाल कटेंगे यार। तो क्या करें सेब, कहाँ जाएं हम? हम चलते हैं यार थोड़ा बड़े शहर में। दिल्ली? दिल्ली, मुंबई। मुंबई और कौन सा सिटी है वो? गोवा। गोवा, गोवा में तो हम क्या खाएंगे? फिनी खाएंगे, फिनी रोटी। नहीं नहीं फिनी विस्की। विस्की गाइस, अगर आपको काजू काजू विस्की पीना है, फिनी काजू किशमिश तो आपको गोवा में जाना पड़ेगा ना। पर ये जरूर सर, जरूर आप गोवा में जाइए। आप 18 साल से नीचे है तो इस वीडियो को ना देखिए, ना देखिए बिगड़ जाओगे है ना। तो यहाँ स्पेशली ये जो अडल्ट है ये उनके लिए हमने लिया है। वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। एक काली प्रसाद को भी बुलाते हैं। काली प्रसाद आइए जरा आप। मसाले चढ़ गए नाश्ता में। तो आप गोवा में कब स्थित थे सेब, और कितना आपने फिनी पिया? फिनी तो मैंने 1 क्विंटल पिया। 1 क्विंटल? हाँ। और काजू कितने खाए? काजू भी हो गया होगा 1 क्विंटल तो। और रशिया कितनी बार गए? रशिया 4 बार गए। 4 बार रशिया गए? रशिया गए। और शादी नहीं करी? शादी नहीं की यार रशियनी वाली से यार, अच्छा नहीं लगा रशिया ने यार। गाइस अगर आप अकेले हो तो गोवा जाना है ना, चांसेस है कि आप रशिया उड़ के जाओगे सीधा। उड़ के जाओगे है ना। सर बोलो कि चेक करी थी पर अच्छा नहीं लगी। और गोवा पे कौन से बीच आपको ज्यादा अच्छे लगे? बागा बीच। हाँ। एक नंबर। हाँ। और मेरीना बीच। मेरीना ठीक है। और क्या बोलते हैं यार दूसरा भी था एक वास्को गए? वास्को वास्को गए नहीं? क्यों नहीं गए वास्को? वास्को तो सही तो है ना, वास्को तो जरूर जाना था ना। जरूर जाना था यार। ये भाई हमारा सहयोगी भाई है, भाई है हमारे साथ काफी समय से जुड़ा हुआ है और किसी किसी वीडियो में सहयोगी भाई से थोड़ा कुछ पूछो। हाँ। थोड़ा काम पर गया, मैं जा रहा हूँ। तो जी कैसा महसूस हो रहा है आपसे मिल के? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो जी ये वीडियो वायरल कर दें फिर, कोई आपको आपत्ति तो नहीं है? नहीं नहीं कुछ नहीं, आप कर दीजिए। ठीक है, तो भाई की परमिशन हो गई है और इसीलिए मैं इस वीडियो को लगभग पहली बार इस भाई के एक अच्छे बोल के साथ और एक कुछ टिप्स देंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी समय दिया है आपने इस इंडस्ट्री में, है ना? हाँ जी सर। तो आपको किस चीज़ का ज़्यादा किस चीज़ को लेकर आपको बहुत सारी चुनौतियाँ आई और उसको कैसे आपने एकदम से सारे चुनौतियों को पार किया और अपने जीवन को ऐसे हरा भरा आपने कैसे बनाया? यहाँ कुछ नए हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए आप बताए। सर ऐसा है ना, मैंने किसी चीज़ से भी कोई हार नहीं मानी। ठीक है, जो काम है मेरा मैं उसको अच्छे से करता गया आगे बढ़ता गया मैं यहाँ तक पहुँचा। अभी और भी मेरा यही सोच है, यही मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी और ऊपर थोड़ा सा और बढ़ूँ। गाइस यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि एक हमारे भारत महान देश में काफ़ी सारे ऐसे युवक हैं और युवती हैं, मेल है फीमेल है,
सभी की पढ़ाई जो है उच्च स्तर में न होने के कारण कहीं ना कहीं चूक होती है और वहाँ ये सोचने लग जाते हैं कि मैंने तो पढ़ाई नहीं करी है, मेरे पास तो डिग्री नहीं है, मेरे पास तो कलम नहीं है, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ या हूँ या कुछ भी हो, है ना? यस सर, इसमें ऐसा है। इस कारण से वहाँ एकदम मन को छोड़ देते हैं और अपने आप पर एक अलग सा महसूस करने लग जाते हैं, है ना? तो भाई ने बिल्कुल भी यहाँ पर कतई ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि इनके पास काफ़ी डिग्री ना होने के कारण भी इन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाए रखा और मन को अपने काम की ओर लगाए रखा और बहुत अच्छे से जिस काम में भी इन्होंने हाथ डाला उस काम को और भी बखूबी से करने की कोशिश करी और आज इनका हमारे इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम है और इनकी जान पहचान काफ़ी अच्छी अच्छी जगह पर है और इनके काम से बहुत लोग प्रसन्न हुए, है ना? हाँ जी सर। तो और बताइए, आप नई पीढ़ी के लिए आपका क्या मैसेज है? अभी तक तो सर नई पीढ़ी का यही मैसेज है, अभी ये सोच रहे थोड़ा सा पैसा हो जाए, पैसा हो जाए, घर मकान अच्छे हो जाए और भी, अभी अच्छे तो हैं, अभी और भी अच्छे हो जाएं, उसके बाद सोचेंगे, शादी करेंगे, तब बच्चों के बारे में सोचेंगे, अभी तो मम्मी पापा के बारे में सोचते हैं। ठीक है, यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो मन है। काफ़ी हम लोग हैं कि जो हमारे माता पिता को भूल जाते हैं और उनकी ओर हमें बिल्कुल भी याद नहीं आती है, बिल्कुल भी हमें, हम नौजवान को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमको जिसने पाला पोसा बड़ा किया है ना, हमको एक रास्ता दिखाया और कितने महीने तक कितने साल तक एक हमें अपने गोद में रखा और अपना दूध पिलाया, काफ़ी संघर्ष करा माता और पिता ने, उसके बाद हमारे पेरेंट्स का ही हमारे ऊपर एक हाथ रहता है। जब हम बड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स से दूर होते हैं माता और पिता से, फिर हम उनको धीरे धीरे भूल जाते हैं, कहीं कहीं हमारी चूक होती है, ऐसा कतई ना करें। बिल्कुल नहीं होगा सर ऐसा, ऐसे वो ही बंदे करते जो बंदों को क्या होता है जो जिसे जो सेल्फिश हो जाते हैं या किसी किसी गलत राह में चल जाते हैं, रास्तों पे चलते वो चल जाते हैं और किसी खाई की ओर चले जाते हैं, किसी अंधेरे की ओर चले जाते हैं, बिल्कुल भी उन्हें पता नहीं लगता कि मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूँ, है ना? जब एक एक दिशा में जाने लग जाते हैं तो वो जाते ही रहते हैं, है ना? जब वो बिल्कुल आखिरी चरण पे जाते हैं तो वहाँ से वापसी उनका बहुत मुश्किल होता है, असंभव सा होता है, इसीलिए वहाँ पर उन्हें वो फिर सब कुछ भूल जाते हैं, एक नशे की और एक अपना रास्ता अलग चुन लेते हैं। हम लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, एक मेहनती लड़का बनना है और मेहनत से अपने हक से कमाया हुआ, अपने मेहनत से किया हुआ खाना और जो जितना बचता है वो अपने घर वालों को देना और अपने भविष्य को देखना, है ना? हाँ, तो वो हमारे नौजवान ऐसा करे तो भविष्य उज्जवल होगी। कोई ज़रूरी नहीं है आपने जितने भी पढ़ाई की है ना, आपके पास जो भी डिग्रियां हैं, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जौन से भी स्कूल से आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हो या प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हो, डजंट मैटर, है ना? कोई उसका मैटर नहीं करता है, बस आपने मन को साफ रखे और अपने कार्य को बहुत ही अच्छे से करते रहे, है ना? और कल का आने वाला जो दिन है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सर, है ना जी? गुड बाय। ओके, तो गाइस अभी यहाँ पे मैं बैठा हुआ था तो साथ साथ में, है ना, तो ब्लॉगिंग कर ली, थोड़ी सी बातचीत करी आपके साथ, है ना, जो हमारे साथ इन जो भाई हैं उन्होंने जैसे कि अपने जीवन को जिया है और इतने सालों कई साल उन्होंने इस लाइन में लगा दिया है ना, वही आपको उन्होंने बताया है और ये सत्य भी है। कहीं कहीं पर हमें बिल्कुल भी किसी पेरेंट्स को नहीं भूलना चाहिए और हमें सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अपने काम की और बिल्कुल अच्छे से ध्यान लगाना चाहिए, है ना, और अपने सीनियर की इज्जत करनी चाहिए, है ना? ऐसा
हम सभी को करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना अगले आने वाली सारे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।